गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी का एसजीएन के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कल दो सदिशों का अदिश गुणा और उसमें हमें एग्जांपल कर रहे थे, कुछ महत्वपूर्ण सवाल किए भी थे। और कल एक एग्जांपल कर रहे थे, उसमें ये दिया हुआ था कि तीन वेक्टर दे रखे हैं, ठीक है, ए बी और सी, तीनों के परिमाण बराबर है। पहली कंडीशन ये दे रखी थी, ये सॉल्व कर भी लिया था हमने कल, ये बात तो मैं समझा देते हैं आपको। ए साथ में ये दे रखी थी कि जो तीनों वेक्टर है ए बी और सी वो परस्पर लंबवत भी है, यानी एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। इसका मतलब ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए, ये जो तीनों वेक्टर है इनका डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, वो क्या होगा, जीरो। ये भी दे रखा था, ये दो शर्तें दे रखी थी मेकल, है ना, और ये सवाल किया भी था। एक तीसरा वेक्टर लेना है तीनों का योग ए बी और सी, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तीनों का योग। ये जो नया वेक्टर आया है ये तीनों वेक्टरों के साथ अलग अलग बराबर एंगल बनाता है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। और किया भी था हमने, ये वेक्टर ले लिया ए प्लस बी प्लस सी और इस वेक्टर का स्क्वायर किया, वर्ग किया, यानी इसको जोड़ करवाया खुद को खुद की सापेक्ष, ठीक है। जोड़ करवाने के बाद ए को ए से डॉट करवा दिया, ए को डॉट बी, ए डॉट सी, ठीक है। इसी प्रकार बी को ए से, बी को बी से, बी को सी से, इसी प्रकार सी को ए से, सी को बी से और सी को सी से। तो इसकी वैल्यू निकाली तो ए डॉट ए तो आ गया ए स्क्वायर और ए डॉट बी हमें क्वेश्चन में दिए गए शर्त के अनुसार ए डॉट बी का मान जीरो हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार ए डॉट सी का मान भी जीरो हो गया, बी डॉट ए का मान भी जीरो हो गया, बी डॉट बी हो गया बी का स्क्वायर, बी डॉट सी हो गया जीरो, बी डॉट ए हो गया जीरो, सी डॉट बी भी हो गया जीरो और सी डॉट सी हो गया सी स्क्वायर। तो इस प्रकार हमें खुद ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करके आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए का स्क्वायर। फिर एक बात और दे रखी थी शर्त नंबर एक में, ए बी और सी बराबर है, तो बी के साथ में बी ए रख दिया, सी के साथ में बी ए रख दिया, तो यार बी के साथ में ए रख दिया, सी के साथ ए रख दिया, तो ये हो गया ए स्क्वायर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, ये हो गया थ्री ए स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार इधर से वर्ग स्क्वायर हटाने पर इधर हो गया अंडर रूट थ्री ए, कहने का मतलब ये हुआ कि ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश का मापांक आया अंडर रूट थ्री ए। ये जो सदिश है इसका मापांक हमने निकाल लिया, इनका मापांक हमें दे रखा है कि तीनों बराबर है। तो पहले ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश को ए के साथ नोट करवाया, ए के साथ तीनों में से, ठीक है। इसको ए के साथ नोट कराने पर एक फॉर्मूले के अनुसार ए सदिश प्लस बी सदिश कोस थीटा होता है, ए सदिश का मापांक बी सदिश का मापांक कोस थीटा, उसके अनुसार ये एक वेक्टर है पूरा ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश, ये पूरा एक वेक्टर है, इसका मापांक दूसरा वेक्टर ए वेक्टर इसका मापांक और कोस थीटा पहले के साथ है, तो इसलिए थीटा वन लगा लिया, ठीक है। इसका इसके साथ डॉट करवा दिया और इसका इक्वेशन नंबर थ्री के अनुसार वैल्यू रखती है अंडर थ्री ए, ठीक है, और इसकी इक्वेशन नंबर वन के अनुसार वैल्यू रखती है ए, तो ये हो गया अंडर थ्री ए स्क्वायर कोस थीटा वन, और इधर से आ गया ए डॉट ए से ए स्क्वायर और ये दोनों में इक्वेशन नंबर टू के अनुसार जीरो, तो ये आ गया ए स्क्वायर, इधर से कोस थीटा वन बराबर आ गया ए स्क्वायर बटा अंडर थ्री ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो आ गया एक बटा अंडर थ्री ए। यहाँ तक हमने कल कर लिया था, एक बार पुनः समझा दिया आपको। अब इसी प्रकार अगर हमें ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश को बी के साथ डॉट करवाएंगे तो भी वो आएगा कोस इनवर्स एक बटा रूट थ्री, उसको थीटा टू लगा लेंगे, ठीक है। फिर एक बार पुनः ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश को सी के साथ डॉट करवाएंगे, यहाँ पर पहले बी के साथ डॉट करवाएंगे तब आ जाएगा थीटा टू, ठीक है। फिर यहाँ पर सी के साथ डॉट करवाएंगे तब आ जाएगा थीटा थ्री, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसी प्रकार। इनके साथ भी एंगल कितना आएगा, कोस इनवर्स एक बटा रूट तीन, तो ये हमें सिद्ध करना था कि भाई तीनों के साथ एंगल क्या बनाता है, समान। ये एग्जांपल समझ में आ गया सबको, आवाज आ रही है ना, दिखाई तो दे रहा है सर।
दे रहा है ना बोर्ड। हाँ सर, एक दूसरी शर्त और दे रखी है कि भाई ये तीनों वेक्टर हैं, इनके परिमाण दे रखे हैं। चार, तीन, चार और पांच, ए वेक्टर का परिमाण तीन, बी वेक्टर का परिमाण चार और सी वेक्टर का परिमाण पांच। ये इसकी दूसरी शर्त है, ठीक है। और इसमें साथ में दे रखा है क्वेश्चन में कि भाई यदि प्रत्येक सदिश अन्य दो सदिशों के योग के ऊपर लंब हो, यानी तीन सदिश है ए बी और सी, ठीक है, इनमें से दो का तो योग करना है, एक के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाना है। तो अगर पहले ए सदिश ले लेते हैं हमें और बी और सी का योग, अन्य दो सदिशों का योग एक के साथ डॉट, तो लंब हो जाएगा, यानी कहने का मतलब इसकी बात जीरो, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है यदि, ठीक है, प्रत्येक सदिश, यानी प्रत्येक सदिश अगर बी लोगे तो ए और सी का योग कर देना, ठीक है, अगर सी लोगे तो ए और बी का योग कर देना, अगर ए लोगे तो बी और सी का योग कर देना, सीधा डॉट करवाना है, तो ये लंबवत है, लंबवत यानी जीरो, डॉट प्रोडक्ट जीरो। अगर बी लेंगे बी तो ए और सी का योग कर दो, ठीक है, तो वो जीरो होगा, ये लंबवत की शर्त है। अगर हम सी लेंगे तो दो दो बस के एक और बी उनका योग करो, क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है, तो ये मेरा प्रश्न अनुसार ये दिया है इनका परिमाण, ठीक है, यहाँ से ए स्क्वायर हो जाएगा नौ, बी स्क्वायर हो जाएगा सोलह और सी स्क्वायर हो जाएगा पच्चीस। अगर हम इसको तीन इक्वेशन बना लें और इनको योग कर दें तीनों का, तीनों समीकरणों का योग, तो ये आएगा ए सदिश डॉट बी प्लस सी प्लस बी सदिश डॉट ए प्लस सी प्लस सी सदिश डॉट ए प्लस बी, तीनों का योग करते हैं, एल एच एस में एल एच एस जुड़ेंगे, आर एच एस में आर एच एस, ए डॉट बी और ये हो जाएगा ए डॉट ए सी, इसी प्रकार ये हो जाएगा बी डॉट ए और ये हो जाएगा बी डॉट ए सी और ये हो जाएगा सी डॉट ए और सी डॉट बी सदिश, इसको इक्वेशन नंबर चार है, ठीक है। सिर्फ क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी का परिमाण ज्ञात करना है, ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश का परिमाण। एक अन्य सदिश किया तीनों का योग और तीनों का परिमाण याद करना है, ठीक है, तो उसी प्रकार करना है जैसे पीछे क्या था, इस सदिश का स्क्वायर करो, ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश का होल स्क्वायर, तो ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश डॉट ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश, यानी इसका इसके साथ खुद का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट बनाएंगे तो किया हुआ है वन, ये आएगा ए स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा ए डॉट बी और ए डॉट ए सी, ठीक है, फिर बी के साथ लेंगे तो आएगा बी डॉट ए बी डॉट बी, यानी बी स्क्वायर हो जाएगा, बी को बी के साथ करवाएंगे तो, और बी डॉट ए सी
फिर सी के साथ करवाएंगे तो आ जाएगा सी डॉट ए और सी डॉट बी और सी स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर में जो है 9, ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट ए, बी डॉट सी, सी डॉट ए, सी डॉट बी। इक्वेशन नंबर 4 के अनुसार है ये पूरी क्या हो जाएगी 0 और बी स्क्वायर की वैल्यू है 16 और सी स्क्वायर की वैल्यू है 25, बाकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ये इक्वेशन नंबर 4 के अनुसार इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, बचेगा ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, इनकी वैल्यू रखी 9, 16 और 25, तो ये कितना आ गया 50। परिमाण कितना आएगा 50, इधर से स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आ जाएगा रूट ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश का परिमाण होगा रूट ए 50, रूट 50 को हम लिख सकते हैं 25 × 2, तो ये हो जाएगा 5√2, और ये इकाई ठीक है सेंटीमीटर मीटर में है नहीं ना, तब इसको इकाई लिख ए प्लस बी प्लस सी का और उसका कल किया था, सिर्फ बात करना है इनकी वैल्यू रखनी है, हो गया कंप्लीट है। समझ में आ गया ना, आवाज आ रही है? तो तीन दरीज दे रखे थे, तीनों का परिमाण दे रखा था, ए का परिमाण 3 तो ए का स्क्वायर हो गया 9, बी का परिमाण 4 तो बी का स्क्वायर हो गया 16 और सी का परिमाण 5 तो सी का स्क्वायर हो गया 25। तीन और 4 इसकी दे रखे हमें 12 और 9। दे रखा है मूल बिंदु, पहले तो आप ओपी सदिश बनाओगे ठीक है, इसी प्रकार ओक्यू सदिश बनाओगे, इनको सदिश रूप में लिखोगे तो क्या आएगा 3i और 4 जो सिल्वर ये आएगा 12 जे कैप और 9 जे कैप, 2 ही वैल्यू है जे की वैल्यू है नहीं इसलिए के वाली तो आएगी नहीं ठीक है। एक बात इसके साथ मेल रखिए कि आपको एंगल निकालना है पी ओ क्यू, ये याद करना है कौन निकालना है आपको ठीक है, तो ये दोनों वेक्टर हैं इनका डॉट चला दें ओ पी और ओ क्यू, ए डॉट बी के अनुसार यह आ जाएगा ओ पी का परिमाण ठीक है कोस थीटा, इसका मतलब ओपी का आपको परिमाण चाहिए, ओपी का परिमाण आएगा 3 × 4 = 9, 16 और ये हो गया 25, ये हो गया 5। इसी प्रकार ओक्यू का निकालना है, ओक्यू का भी परिमाण चाहिए, इसमें 12 और 9 है तो एक 12 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर
सेवन इक्यासी इन दोनों का योग है। कितना आया रूट 225 और ये कितने का होता है 15। ठीक है तो इसमें रखते हैं ये एंगल इन दोनों के मध्य है ना थीटा के स्थान पे ये रख सकते हैं हम ओ से जो एंगल हमें पूछा है सी ओ क्यू। ठीक है तो यहां से अगर कोस एंगल पी ओ क्यू बराबर निकालने तो आएगा ओपी वेक्टर डॉट ओक्यू वेक्टर बटा ओपी का मापांक और ओक्यू का मापांक ओपी और ओक्यू का डॉट करवाते हैं। ठीक है थ्री आई प्लस फोर जे का डॉट करवाना है 12 आई प्लस 9j के साथ बटा इनका मापांक अभी निकाल के कितना है इसका 5 और इसका 15 इसका डॉट करो 3 का किसके साथ करवाएंगे 12 के साथ ये हो जाएगा 12 × 3 = 36। ठीक है और इसका प्लस 4 × 9 के साथ ये हो जाएगा 36 बटा 15 को हर से मल्टीप्लाई कर दिया ये हो गया 75 तो ये हो गया 72/75। हमें जो एंगल पूछा था cos एंगल POQ बराबर ये एंगल बराबर POQ बराबर हो जाएगा cos इनवर्स उस साइड जाकर। ठीक है मैं पूछा था एंगल POQ बराबर ये हो जाएगा cos इनवर्स 72/75 और इसका शॉर्ट करना चाहो तो ये हो जाएगा 3 × 5 से काट देगा 24/25। आई बात समझ में बात समझ में आई यस सर अब एक देखो सिद्ध करना है आपको प्रूव करना है ए डॉट बी ए डॉट बी का होल स्क्वायर बराबर लेस देन इक्वल ए के मापांक का स्क्वायर और बी के मापांक का स्क्वायर ये दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 पहले तो हमें जो फॉर्मूला है हमारा उसके अनुसार चलो ये आप उसी करना है हमने पढ़ा है ए डॉट बी बराबर ए का मापांक बी का मापांक cos थीटा ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है यहां से cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी a डॉट b बटे a का मापांक और b का मापांक। अब देखो आपने
क्लास में पढ़ा भी है cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू माइनस एक से प्लस एक के मध्य होती है, ठीक है। cos थीटा की वैल्यू माइनस एक से प्लस एक के मध्य होती है या तो प्लस एक के बराबर होगा, ठीक है। हमें यहाँ मापांक निकालना है, तो एक बात ये भी साथ में होती है कि मापांक यानी प्लस की संख्या cos थीटा की वैल्यू या तो एक के बराबर हो सकती है, ठीक है, या एक से छोटी रहेगी। cos थीटा छोटा रहेगा तो बड़ा कौन रहेगा, एक, ठीक है। इसको एक एक नंबर समीकरण लगा देते हैं, cos थीटा की वैल्यू माइनस एक से प्लस एक के मध्य, ठीक है। उसके अनुसार अगर यहाँ का मापांक लेना है, प्लस वाला एक लेंगे बड़े से बड़ा, वो या तो इसके बराबर होगा या इससे छोटा, को सीधा तो छोटा एक बड़ा। ये इक्वेशन नंबर दो। अब देखो इक्वेशन नंबर एक और इक्वेशन नंबर दो को ध्यान से देखो, तो इसमें एल एच एस बराबर है, इधर भी कौन सीधा है, इधर भी कौन सीधा है, तो इसकी आर एच एस भी बराबर रख सकते हैं समीकरण नंबर एक तथा दो से, एक तथा दो से। इसका मतलब ये हुआ a डॉट b बटा a का मापांक b का मापांक साइन ये आएगा, ऐसी समीकरण पढ़ी हुई है ना टेंथ क्लास में, एक, ठीक है, एक के बटा में एक लगाया तो तिरछा गुणा किया यानी वज्र गुणा, तो ये हो गया a डॉट a रख दो, ए डॉट दिखाई दे रहा है ना बी, या तो बराबर या इससे छोटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये ए का मापन और बी का मापन। अब हमें सिद्ध करना है वो वर्ग में, तो दोनों तरफ इसका वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग, तो ये हो गया ए डॉट बी का स्क्वायर साइन ये रहेगा, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा ए का मापांक का स्क्वायर और ये भी हो जाएगा बी के मापांक का स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना था, मेन बात इसमें यही है, cos थीटा की वैल्यू माइनस एक से प्लस एक के मध्य होती है, तो या तो एक के बराबर होगा या cos थीटा एक से छोटा होगा। इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू को इन दोनों का एल एच एस बराबर है, तो हमें आर एच एस भी बराबर है, तो इसको सिद्ध करेंगे। सवाल नंबर तीन, समझ में आया? यस सर, हाँ सर। अगली बार आप मान को देना है, ठीक है, ए वेक्टर दे रखा है, एक बी वेक्टर दे रखा है, ठीक है, ए वेक्टर की वैल्यू जैसे दे रखी है 2i + लैम्डा j + k, 2i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस k कैप, ठीक है। दूसरा वेक्टर हमें देखा है 4i - 2j, चार आई माइनस दो जे प्लस सॉरी माइनस टू जे, इसमें आप लैम्डा की वैल्यू निकालो, शर्त ये है कि दोनों लंबवत है, ये अगर ये प्लस पर लंबवत है, शर्त है इन कंडीशन हमें ये दे रखी है कि ये प्लस पर लंबवत है, लंबवत का मतलब हो गया a डॉट b बराबर जीरो, a और b का डॉट करवाते हैं 2i प्लस लैम्डा j प्लस k, ठीक है, इसका डॉट करवाते हैं इसके साथ, ठीक है, 4i माइनस के 2j और माइनस के 2
के ये होगा जीरो, दो को चार के साथ मल्टीप्लाई आठ, लेमडा का माइनस दो के साथ माइनस के दो लेमडा, एक का माइनस दो के साथ माइनस के दो बराबर जीरो, तो ये हो गए आठ में माइनस दो ये रह गए छह माइनस के दो लेमडा, छह बराबर हो जाएगा प्लस के दो लेमडा, तो लेमडा बराबर छह बटे दो, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आएगी तीन। एक मिनट देखा है मैं, ए वेक्टर बराबर थ्री आई प्लस एम जे प्लस फाइव जी ठीक है, बी वेक्टर बराबर देखा है माइनस आई प्लस सात जी सेवन एम जी ठीक है, सात जे प्लस दो के कर, इसमें आप एम की वैल्यू बताओ ट्राई करो, है ना इसको जल्दी हल करो और एम की वैल्यू बताओ एम कितना आएगा, सर ये प्रश्न लग बताओ सर, बी है ये दोनों लंबवत हैं, यानी डॉट बी है इसकी वैल्यू जीरो है, तो आप इसमें एम की वैल्यू बताओ, ए डॉट बी बराबर जीरो, थ्री आई प्लस एम जे प्लस ठीक है, कि दो जोड़ना है माइनस के आई का प्लस के सात जे का है और प्लस के दो के का है, और एम की वैल्यू बताओ, एक नंबर का इस प्रकार का सवाल तंत्र आएगा, थ्री आई माइनस आई माइनस थ्री एम और सेवन सात एम ठीक है, पांच और दो पांच दुने दस, अब तो बता दो माइनस एक शाबाश वेरी गुड, सात एम और प्लस के सात, दस में से माइनस के तीन गए प्लस के सात बचे बराबर जीरो, प्लस के साथ साइड ला कर माइनस के हो जाएंगे ठीक है, और एम बराबर आ जाएगा माइनस सेवन बटे सेवन आ जाएगी, टाइम की वैल्यू आ जाएगी माइनस एक, तो इस प्रकार का आपसे कोई सवाल है वो नोट करवाना है, एम की पूछे के की पूछे बी की पूछे क्यू की पूछे या लैम्डा की पूछे, कोई भी मान पूछे हमें घबराना नहीं है, आराम से सवाल हल करना है इजीली ठीक है। अब एक सवाल और करूँ, एक सतीश लिखो आप, ए सतीश बराबर चार आई माइनस के और प्लस का के, ए सतीश लिख लो आप, चार आई माइनस का दो जे और प्लस का के माइनस का दो जे और प्लस का के एफ ठीक है, और एक बी वेक्टर लिखो दूसरा वेक्टर है ठीक है, तीन आई प्लस छह जे तीन आई प्लस छह जे और एक माइनस का दो के, देखो इसमें ये रहता है ये कोई वेक्टर है इसका किस सदिश पर वेक्टर निकालना है ठीक है, ए का बी पर वेक्टर निकालना है सॉरी प्रक्षेप निकालना है, ए सदिश का बी सदिश पर प्रक्षेप, ए सदिश का बी सदिश पर प्रक्षेप, ए सदिश का बी
सदिश पर प्रक्षेप फॉर्मूला बताया था, क्या होता है बताओ? ए सदिश का बी सदिश पर प्रक्षेप, ए सदिश का बी सदिश पर प्रक्षेप। आवाज आ रही है ना? ए और बी है, जो भी मान दे रखे हैं उनका ए और बी का
योग करेंगे तो हमारे पास एक अन्य वेक्टर की वजह से सी आ गया, ठीक है ना। फिर आप इन तीनों वेक्टरों का परिमाण निकालना, यानी इसके योग का भी, फिर आप उसमें समकोण त्रिभुज पाइथागोरस सूत्र में अप्लाई करना। क्या हुआ टाइम बता दे। तो हमने फिर अपन दो में से पांच सात सवाल किए हैं, है ना, दो चार एग्जांपल भी किए, समझ में आया? हाँ सर, सुन ला गया। अच्छा बस, कल ही कंप्लीट कर देंगे। अब ये देखो, एक आगे सवाल दे रखा है सात नंबर, ठीक है ना, उसमें दो वेक्टर दे रखे हैं। एक दे रखा है 2i-k 16j+k 2i-k 16j+k 5k और दूसरा भी दे रखा है 3j+2 के 3i+j+2k। सवाल में बात ये दे रखी है कि एक सदिश सी ज्ञात कीजिए, एक सदिश सी ज्ञात कीजिए जो इस समकोण त्रिभुज की भुजाओं में निर्मित करे, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित करे। ये वेक्टर होता, ये बी वेक्टर होता, ठीक है, थोड़ा नहीं बनेगा ना। हाँ, इसकी दिशा इस प्रकार दिखाई था, उस तुम्हें के अनुसार करंट का स्क्वायर आधार का स्क्वायर इन दोनों का योग होगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, करंट का स्क्वायर यानी सी का स्क्वायर बराबर है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये वाला होने चाहिए पाइथागोरस प्रमेय। तो इसका मतलब आप एक योग को करना पड़ेगा। ये आवाज क्यों आ रही है भाई? समकोण त्रिभुज के लिए तो प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय का ही मिनिमम लेंगे, इसका मतलब ए और बी का योग करना पड़ेगा, ठीक है। ये सी सदिश है, होगा ए सदिश प्लस बी सदिश, इन दोनों का योग, ये हो गया 5, ये हो गया -k 15 और ये हो गया +k 7। देखो 3 और 2 का योग गया 5 हो गया, -k 16 प्लस का 1, ये बच गया -k 15 प्लस का 5 और +k 2 प्लस के हो गए 7। तीनों का पापा निकाल लो, ठीक है। अगर हमें ए स्क्वायर निकालेंगे तो उसका मतलब ए सदिश 2 है, ए सदिश 2i-k 16j और +k 5k। इसी प्रकार इसको खुद के सापेक्ष दो का दो 4, -k 16 -16 16, 2 56, ठीक है, और 25 ये हो जाए 260 और ये भी 25 285। इसी प्रकार आपको बी का निकालना है, इसी प्रकार आपको सी का निकालना है। कर लोगे, ए स्क्वायर निकाला ना, उसी प्रकार आपको बी स्क्वायर निकालना है, उसी प्रकार आपको सी स्क्वायर निकालना है, फिर इसमें रखना है पाइथागोरस प्रमेय। अगर नहीं होगा तो करवा देंगे।